SRM टुडे, शहर की आवाज। वैज्ञानिक व आधुनिक खेती में नई तकनीकों का प्रयोग कर उन्नत खेती करने को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ये जागरूकता कृषि महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले के माध्यम से फैलाई जा रही है, जिसमें स्टॉल भी लगाए गए हैं। किसानों को उन्नत कृषि के बारे में जागरूक करने व कृषि के क्षेत्र में कई पहलुओं को समझाने को लेकर कृषि महाविद्यालय परिसर में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। ये 3 दिवसीय मेला है, जिसका आयोजन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया गया है, जिसमें प्रदर्शनियां भी लगाई गई है, जिसके चलते किसानों को वैज्ञानिक कृषि के बारे में और आधुनिक कृषि के बारे में समझाने को लेकर भी लगभग 45 स्टॉल लगाए गए हैं। तकनीकी के बारे में जानकर दे मित्र सर जी, आमंत्रित करता हूं कि उज्जैन से पधारे हमारे में मंच में उपस्थित डॉक्टर पाटीदार साहब, डॉक्टर मिश्रा साहब, मेरे उपसंचालक कृषि साथी और पिछले साल लगातार हमारा प्रयास रहा है कि हर किसान के पास उसकी मिट्टी की जांच करके हम उसको रिजल्ट दे दें कि क्या आपको तत्व 12 प्रकार की तत्व की हम जांच आपको करके देते हैं, NPK, CAMGS, FPS, कंडक्टिविटी, और जो कार्ड भी मैंने गांव-गांव में जाके देखा और कार्ड में चर्चा की है, तो कई तो किसान भाई कार्ड साहब वो कहीं पता नहीं कहाँ रख दिया, ध्यान ही नहीं देते। उस कार्ड की कीमत जो हम आपको फ्री में करके देते हैं, आप प्राइवेट में कराओगे तो उसकी कीमत 700 रुपए है। आप कहीं प्राइवेट में उतने जो टेस्ट 12 प्रकार के हम करते हैं तो 12 उसकी कीमत 700 से 800 रुपए, आप प्राइवेट में कराओगे तो लगे आपको खर्च आएगा। उसमें हम आपको नई प्रकार की तकनीकी कैसे आप खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं, मेन उद्देश्य सभी सबका जो ये हम कार्रवाई करते हैं, मेला करते हैं, संगोष्ठी करते हैं, हमारा सबका प्रमुख उद्देश्य है कि आप खेती को कैसे लाभ का धंधा बनाएंगे। शासन भी इसी में चिंतित है और उसके लिए भी नई नई योजनाएं, नए नए लाभ देने के तरीके आपके पास लाए जाते हैं। साथियों, खेती को लाभ का धंधा बनाने में मैं आपसे एक चर्चा करूंगा मिट्टी परीक्षण के बारे में। मिट्टी परीक्षण जैसे आप अपना खून की जांच कराते हैं, वैसे ही एक मिट्टी परीक्षण जिसको कि आपको धरती माता अपन बोलते हैं, यदि धरती माता का स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आज के युग में मैं देखता हूं कि धरती माता के स्वास्थ्य की तरफ अपना उतना ध्यान नहीं है, इतना ज्यादा केमिकल, इतना ज्यादा फर्टिलाइजर ये सब दे रहे हैं, जिससे कि कोई एक दो साल में तो आपको उत्पादन मिलता है तो धीरे धीरे ये उत्पादन अपना कम होता चला जाता है। साथियों, इसमें बहुत ही देखिए, आप मकान बनाते हैं, यदि मकान की नींव ही कमजोर हो जाएगी तो। इस संबंध में कृषि अधिकारियों ने बताया कि इस मेले का आयोजन किसानों को कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में जागरूक करने के लिए किया गया है, जिससे कि किसान आधुनिक नई नई तकनीकों का प्रयोग कर उन्नत कृषि और लाभ देने वाली कृषि कर सके। वही किस तरह की मिट्टी के लिए किस प्रकार का खाद उर्वरक उपयोग में लाया जाना चाहिए, उसको लेकर भी सुझाव दिए गए। इसके अलावा किसानों को इस मेले के माध्यम से सभी तरह की फसलों की खेती में डाले जाने वाली दवाइयों, बीज, खाद, उर्वरक आदि के बारे में जानकारी दी गई। सब्जियों, फलों, अनाज का उत्पादन नई तकनीकी नई रीतियों से कैसे किया जाना चाहिए, ये भी इस मेले के माध्यम से समझाया गया। वही औषधीय फसलों के बारे में भी किसानों को बताया गया, जिससे मेले में पहुंच रहे सभी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इतना देना है, DAP इतना देना है और पोटाश इतना देना है, जिंक इतना देना है। बहुत पहले अपने क्या था कि पोटाश की कमी नहीं थी अपने सॉइल में, पर अब कुछ दिनों में देखने में आ रहा है कि पोटाश की डिफिशियंसी अपने जमीन में आई है, तो आपको पोटाश देना जरूरी है। जिंक का सबसे बड़ा जो हम कहते हैं 25 किलो जिंक प्रति हेक्टर 3 साल में आपको एक बार देना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे कि आपको उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो परीक्षण के आधार पर यदि आप खाद देते हैं
तो बहुत ही आपको खाद बच। तो साथियों मेरा एक ही अनुरोध है कि यदि एक ही चीज आप मान के जाओगे, यहाँ से जैसे आप आए हो तो एक ही चीज और लेके जाओगे, मान माफी खाद, ये जो डाल रहे हैं इसकी जो गैस है हवा में जा रही है, हवा को जहर कर रही है, अन्न में जा रहे हैं अन्न को जहर में बदल रहे हैं, पानी में जा रही है लेट की मात्रा बढ़ रही है, पेट की बीमारी आ रही है, कुछ भी डॉक्टर को पता नहीं चलता पेट में क्या हो रहा है और पेट डॉक्टर को दुख रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि मतलब सर ने कहा कि जो खेती को लाभ का धंधा, अपन कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा है कि अपने जिले में महाविद्यालय है तो अपने यहाँ के लड़कों को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिले, वे आए। कोई समस्या हो तो आप प्रश्न लिखकर भी भेज सकते हैं, हम आपकी किसी प्रकार समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। सैंपल क्या है, हम ग्रिड के तरीके से लेते हैं, तो अभी एक असंचित में वो 10 हेक्टर का है, संचित में 2.5 हेक्टर का है, तो अब दूसरे किसान को पता ही नहीं रहता कि 10 हेक्टर में बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो रामलाल कहते नहीं साहब श्यामलाल का हुआ सैंपल, मेरा सैंपल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ग्रिड अभी 10 हेक्टर का ग्रिड है, जो असंचित का काफी 10 हेक्टर बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, तो आप थोड़ा बगल वाले देश में हो चुका है। और हम ये नहीं कह रहे कि आज 130 करोड़ जनसंख्या को एकदम अपन जैविक खेती पे ला दे तो अन्न अपन आज अन्न के ऊपर अपन आत्मनिर्भर है, इतना अन्न पैदा कर रहे हैं कि अन्न अपन विदेश से नहीं आयात कर रहे हैं। 30% 100 में से 30 किलो अनाज मतलब अपना खराब हो रहा, कहीं बारिश के कारण से कहीं घून के कारण से। और ये जो प्रदर्शनी लगी है किसानों को आधुनिक तकनीक ज्ञान देने के लिए, ताकि नई नई तकनीकों को अपनाते हुए वो अपनी आधुनिक तकनीक से खेती कैसे करें, जैसे उद्यानिकी का है, फसल है, प्याज है, लहसुन है और बहुत सारे धनिया मिर्च मसाले हैं, उनकी सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ तकनीकी ज्ञान के साथ किसानों को समझाया जाता है, और उसका मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए उसकी भी जानकारी इस स्टॉल के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है और किसान इसका लाभ ले रहे हैं। कितने स्टॉल लगाए गए सर यहाँ पर? यहाँ से लगभग 28 या 30 स्टॉल लगे होंगे, विभाग के और गैर सारी संस्थाओं के भी स्टॉल लगे हुए हैं और कंपनियों के भी स्टॉल लगे हुए हैं, और जिसका भ्रमण किसान करते हुए उनके तकनीकी ज्ञान को लेते रहे। हम लोग उद्यान की विद्यालय के इस परिसर में कृषि विज्ञान के इस केंद्र पे, और ये जो मेला है 3 दिवसीय मेला चलेगा, आज मेले का दूसरा दिन है और इसमें किसान लाभान्वित हो रहा है, और कई तरह की तकनीकी ज्ञान जैसे केचुआ खाद है, भर्मीवास है, ये सारी चीज़ें हम इनको बता रहे हैं। हमारे पास मृदा परीक्षण लैब भी है, उसके ज्ञान को भी बता रहे हैं कि किसान आए और अपनी मिट्टी का जांच हमारे केंद्र पर कराए और स्वास्थ्य लाभ जो उसका मृदा का है वो उसको पता करते हुए उसको कितना खाद और उर्वरक देना है उसकी भी सलाह यहाँ किसानों को दी जाती है। कितने स्टॉल लगाए गए और किन बातों को लेकर आयोजन किया गया? ये क्या है, उन्नत किस्म की वैरायटियाँ बताना कृषकों को और उन्नत तरीके से खेती कृषि कैसे करना कृषकों को, और विभिन्न प्रकार की कृषि यंत्रों का अवलोकन किसानों को प्रदर्शनी के तौर पर बताना, उन्नत किस्म की दवाइयां जो वर्तमान में निकाली जा रही हैं अलग अलग शोध कर करके उसको किसानों को जागृति फैलाना, उन्नत किस्म की दवाइयां और तरीके नई किस्म की दवाइयां डालना कृषकों को, बीज दवाई इत्यादि सारी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर आत्मा योजना के अंतर्गत ये कृषक मेला आयोजन किया गया है, उसमें करीब 45 स्टॉल लगाए हुए हैं। और किस बात को लेकर ये मेला लगाया गया, किस तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई, क्या-क्या पे दर्शाया गया? सर ये आत्मा योजना अंतर्गत लगाया कृषि विभाग द्वारा, हम उद्यान विभाग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। क्या क्या इसमें दर्शाया गया है और क्या उद्देश्य है इसमें? ये जो किसानों को जो नए नए बीज है, जो नई उन्नत प्रजाति के बीज वगैरह है, जो जानकारियाँ हैं और योजनाओं की जानकारी जो आ रही, योजना जो बदल गई है, ऑनलाइन योजना हुई, उनकी सबकी जानकारी दी जा रही है। और जैसे कि ये हमारा जो मालवा है और विशेष तौर से मंदसौर नीमच जिले हमारे बीज मसाला मसाला फसलों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे बीज मसाला सबसे ज़्यादा होता है, तो हमारे यहाँ पे हमने ये स्टॉल लगाया, उसके अंदर हमने धनिया और मेथी की अजवाइन कलौंजी और औषधीय पौधे इसबगोल तुलसी असलिया इनकी जो बीज का प्रदर्शन किया है, दिखाया कि कौन सी अच्छी किस्में हैं। इसके अलावा हमने सब्जी के में भी हमने ये गोभी की ब्रोकोली है और ये फूल गोभी के अलग अलग किस्में हैं,
और लहसुन प्याज जो यहाँ का मसाले का क्षेत्र है उसको देखते हुए कौन सी किस्में अच्छी है उसको ये किसानों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि ये इन किस्मों को लगा के और वो ज्यादा उत्पादन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को यहाँ से अच्छी बढ़िया जानकारी मिली। मैं भी जैविक खेती करता हूँ और अभी पपीता की खेती कर रहा है जैविक की, और यहाँ से ये सब जानकारी इकट्ठी करके फिर अच्छी खेती करूंगा। गाय का दूध बढ़ाना और मैं जैविक खेती कर रहा हूँ सन 2003-04 से। लाभ मिल रहा है यहाँ पर? लाभ मिल रहा है बराबर, मूल्य समर्थन का लाभ मिल रहा है और ये सभी जानकारी मिल रही है, इससे जानकारी के हिसाब से खेती करते हैं। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे नंदिसो। SRM टुडे, शहर की आवाज़।